ये देखो। शुभ्रा चड्ढा। आ ये तो बन गया, पर आपको जॉब क्यों करनी है? पीछे ने सर पे छत तो दे दी, लेकिन उस छत को संभालने के लिए, घर चलाने के लिए, खर्च के लिए हाथ पैर तो मुझे ही चलाने पड़ेंगे। इस बार मैं किसी पे डिपेंड नहीं होंगी। आई आई क्या सोच रहे हो आई? ये तो आपकी फर्स्ट जॉब है ना, कैसे करोगे आप ये सब? हाँ फर्स्ट जॉब होगा, लेकिन ऋषि कोई भी काम करना डिफिकल्ट नहीं होता। अब तो ऐसे देख ले, तू जब पैदा हुआ था उससे पहले तो मैं कभी आई नहीं थी, और जब आई बनी तो आई के सारे काम सीख लिए मैंने। आई होने से ज्यादा डिफिकल्ट जॉब कुछ होता है दुनिया में? पता नहीं कितने परसेंटेज मिले, फेल हुई कि पास हुई, मार्क्स मिले भी कि नहीं मिले। आई वाले जॉब में 100%। ये देखो, यू आर द बेस्ट आई। थैंक यू ऋषि सर, इसे तो मैं फ्रेम करवाऊंगी बिल्कुल अपने सामने। रोली बेटा, इतनी देर बाथरूम में छप छप करती रहोगी ना, जुकाम हो जाने पोते। कह रही थी मैं नहला देती हूँ ना जी, पापा जी से नहाएंगे। बाहर निकलो बेटा। रोली क्या हुआ दादी? हुए थे बाथरूम में कौन है फिर है? ये क्या? डोंट वरी। इनफैक्ट कल से मैं ही इसे रेडी कर दूंगी। अरे पर हुआ क्या, ऐसा मैंने क्या कर दिया? उल्टा ड्रेस। ये जी ये बहुत मस्ती कर रही थी तो समझ में नहीं आया, मैंने जल्दी में उल्टा पहना दिया। चलो एक काम करते हैं, अंदर से मैं इसको चेंज करा के आता हूँ। नहीं नहीं रुको पापा, ये स्टाइल भी अच्छा है। रोज रोज वाले स्टाइल से ना मैं बोर हो गई थी, आज तो यही पहनूंगी मैं। पापा मम्मा को फोन लगाओ ना, बात करनी है। श्योर ऑफ कोर्स। आई रोली को होगा। हाय कुलदीप। वो ऋषि कैसा है? हैप्पी है, खुद ही देख लो। ऋषि बेटा वो रोली को फोन देना प्लीज। शाह मम्मा से बात करो। मम्मा ये देखो पापा का न्यू स्टाइल है, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? ऋषि आज तू और मम्मा क्या करने वाले हो? आई की जॉब की प्रिपरेशन। पता है मैंने आई का रेज्यूमे भी बना दिया, और आई को मम्मी वाले जॉब में 100% मार्क्स मिले। सैम आंटी की तरह मम्मा भी ऑफिस जाएंगी क्या? वाओ फोटो भेजना ऋषि।
हाँ बेटा जी जरूर भेजना, यहाँ पर भी सब लोग तुम्हें बहुत मिस करते हैं। ध्यान रखना अपना, ठीक है? और ऋषि मस्ती नहीं करने, ठीक है? दादी मुझसे तो बात करने दो। नहीं नहीं कर ले, खुद बात करते रहो। ना 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 कर ले बेटा, तू कर ले बहुत। मम्मा मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। हेलो रोली। हेलो मम्मा, मम्मा, मम्मा। एक सेकंड मुझे दिखाओ, शायद फोन कट। ओहो, अरे यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क चला गया, वाईफाई नहीं है। There's no network. All the best मम्मा। वेलकम आंटी। आज देखो कौन आया है। हाय शुभ्रा, आई आई हाँ बैठ। आ गई वापस, अब तो तुम ही हो ना दोनों अकेले घर में। बेचारी अकेली पड़ गई है। अकेली कहाँ, ऋषि है ना मेरे साथ। और बेचारी क्यों? बेचारे तो वो होते हैं जिनके पास कोई चारा नहीं होता, और मैं तो अपने सारे डिसीजंस खुद ही लेती हूँ। हम दोनों को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। क्यों ऋषि? वैसे वर्षा, मैंने सुना है कि शायद तुम्हारी नींद नहीं खुलती है सुबह, तो तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारे पति बाहर जाकर वड़ा पाव खाकर पूरा दिन बिताते। बेचारे, तुम कहो तो मैं सुबह उठा दूंगी तुम्हें। हाँ हाँ क्यों नहीं। अब वैसे तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? मैं बताता हूँ आय का क्या प्लान है। अब वो जॉब करेंगी, बहुत अच्छा प्लान है आय का। हम लोगों ने उनका रेज्यूमे भी बना दिया है। बहुत बढ़िया। हाँ लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। हमसे तो गरीब औरतें ही अच्छी है, घर का काम करके चार पैसे तो कमा लेती है। हमें तो ये सब करने में बड़ी शर्म आएगी। शुभ्रा तू क्या करना रगा? अब क्या करेगी बेचारी, बच्चे जो पालना है। हाँ वो भी है। सांगना तू क्या करना? अकेली औरत का तो जीना ही मुश्किल है। नौकरी करने जाओ तो बुरी नजरें, घर पर बैठो तो घर खाने को दौड़े। सच अगर आदमी साथ ना हो तो जीना मुश्किल हो जाता है। एक एक करके सबका जवाब दो। हमारे घर में जो औरतें काम करती हैं वो गरीब होती है, इसका मतलब उनका काम छोटा और हमारा काम बड़ा। ये तो सोच ही गलत है। वो भी अपने पैरों पे खड़े हैं। सोच कर देखो, शायद हम ही अपने पतियों के पैरों पे खड़े। और रही बात अकेले औरत की जीने की, अकेली सीता ने लवकुश को पाला है, अकेली सावित्री अपने सत्यवान को वापस ले आई है, ये हम भूल गए। अकेले होना कमजोर होना नहीं होता है, इंसान अकेला तब होता है जब उसके हाथ पैर की ताकत कोई और बन जाता है, जैसे भाई, कभी बाप, कभी बेटा, कभी पति। जो खुद कुछ करके दिखाना चाहते उनके लिए कई दरवाजे खुल जाते हैं।
कोई औरत बेचारी नहीं होती, जो खुद को कमजोर समझे वही बेचारी होती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बात तो सही है। अब फिर भी वो हम सोशल नेटवर्किंग भी करते हैं ना आजकल, अपलोड स्टेटस। अब तो तुम क्या करोगी स्टेटस अपलोड, सिंगल रेडी टू मिंगल? डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पहले तुम्हारा हस्बैंड गया, फिर तुम सब उसके पास चले गए। हम तो हैप्पी थे, चलो सेटल हो जाओगे, पर लौटे तो 1/2। ये स्टेटस अच्छा है ना, 1/2। हाँ, हम जैसे वो होटल में ऑर्डर देते हैं ना, 1 बटर चिकन 1/2। यहाँ चट्टा फैमिली 1/2। ऋषि तुम्हारे पास और रोली उसके पास। पकौड़े बना रही हूँ। वर्षा, तुम्हें पूरी प्लेट हजम होगी या 1/2 करूँ? अच्छा एक बात तो बता, ये घर तो बिक गया था ना, फिर तुम सब यहाँ कैसे? एक परी ने जादू की छड़ी घुमाई और ये घर हो गया मेरा। पूछो वो परी कौन? कौन? मेरे हस्बैंड की माँ। उन्होंने ये घर मुझे दिया, सॉलिड सपोर्ट है उनका। उनका मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं रोली को वहां छोड़ आई। और कोई डाउट, कोई शक हो तो पूछ लो। वैसे चाय कैसी लगी वर्षा? नहीं, कड़वे सवालों से मीठी चाय भी कड़वी हो जाती है। झूठी कहीं की। माँ बाप अलग हो गए इसीलिए बच्चों को अलग रहना पड़ रहा है। हाँ, मुझे तो लगता है बच्चों का भी बंटवारा कर दिया इन लोगों ने। और क्या? हाँ। अब तो ऋषि को रोली से मिलने के लिए भी पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी। बेचारे बच्चे दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। बगीतला, बच्चे के गुस्से ने सब सच बता दिया। अब तो बता दे क्या सच है। सच ये है कि आप लोगों किसी ने सिखाया ही नहीं है कि अपने उम्र वालों से बात की जाती है और बच्चों को ताने नहीं कसे जाते हैं। शुक्र मनाओ कि ऋषि ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ कह देता तो आप लोग कहते कि आई ने बच्चे को संस्कार नहीं दिए। मेरे आई बाबा ने सिखाया, घर आए मेहमान का अपमान नहीं करना चाहिए। अतिथि देव भव। इसलिए तुम लोग जितना कड़वा बोलोगी बदले में तुम्हें मीठा ही मिलेगा। अच्छा ये बताओ, मीठे में शीरा लोगी या श्रीखंड? अच्छा मैं दोनों ले आती हूँ। अब आज रहने दो, तुम भी थक गई होगी ना, हम और किसी दिन आ जाएंगे। चल चला गो। ये घर हमेशा सबके लिए खुला है, जब मन करे आ जाए। चला। अंधेरा करके क्यों बैठा है? आज वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? बार बार बोलते हैं मैं और रोली अलग हो गए। आई प्लीज, आप रोली को यहाँ पर बुला लो ना। इतना गुस्सा आ गया मेरे बच्चे को। आज मैं तुझे आइस लगा देती हूँ, ठंडा ठंडा। आज आज मेरा राज। सॉरी आई, वो लोग परेशान क्यों कर रहे थे इतना? मैं ये सब बातें सहन नहीं कर सकता। रोली
कभी अलग नहीं होंगे। आपने वो बलून छोड़े थे ना, मिल गए होंगे रोली को। तेरे मासूम सवालों का जवाब तो आई को देना ही पड़ेगा ना। जवाब क्या होगा? आई आप भी रोली की तरह मस्ती करने लगी हो ताकि तू रोली को मिस ना करे। आई के हाथ का आइस, अच्छे अच्छों का गुस्सा, गुस्सा ठंडा कर सकते हैं। तुझे गुस्सा आएगा तो मैं ठंडा कर दूंगी और मुझे गुस्सा आएगा तो तू ठंडा कर देना। आई गुस्सा ठंडा करने का मस्त आइडिया है। है ना मस्त आइडिया? कितना मस्त है? रुको आई, मैं देखता हूँ। आप रोली हो ना लिटिल गर्ल, तो बड़ा कौन हुआ? मैं, इसलिए मैं दरवाजा खोलूंगा। रात को दरवाजा खोलना मेरा काम है। पापा की तरह अरे आई, अरे वो सब छोड़, कैसी है? मस्त। तुझे पता है तेरे बाबा से ना मैं आज झगड़ के आई हूँ और ना ही चुप के आई हूँ। आज पहली बार उन्होंने ना हाँ कहा ना ना। मैं मेरा पर्स ढूंढ रही थी, वाय मेरा पर्स उठाया और मेरे हाथ में रख दिया, बस मैं आ गई। आजी आज से आप मेरे पास होगी। ये रोली मुझे बहुत सताती है। रोली? सुबह से मैं रोली का रोल प्ले कर रही हूँ, इसके लिए आई। मेरे साथ आजी, रोली के साथ दादी। ये चलो अब चलो। वो मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। रोली कमरे में अकेले है अंधेरे में और मुझे पुकार रही है। तो बीजी को फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है। पापा रोली की रक्षा करना। आई तू शांत हो, कोई बात नहीं है, तू चिंता मत कर। पर तुझे भी तो चिंता हो रही है ना,
हुआ है, तभी तो पीजी को फोन भी लगा रही हूँ। पर मैंने रियलाइज किया है, घबराने से किसी चीज का सलूशन नहीं होगा। अब चिंता से डरना नहीं, चिंता को डराना है आई। चिंता के ऊपर उठकर सोचना होगा आई, और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। की गल है बीजी, सॉरी आपको इतनी रात को कॉल किया मैंने। वो मैंने एक बुरा सपना देखा रोली को लेके, तो थोड़ी चिंता हो रही थी, मैंने सोचा आपको कॉल करके पूछ लूं। रोली कहाँ है, ठीक है ना? वो रोली इत्थे हैगी मेरे कोल। रोली